Hello, actually, let's read this question. The question says in the following reaction product A is, तो यहाँ पे पहले तो आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड दिया हुआ है, उसके साथ एनिलीन का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एच प्लस गिव्स अ येलो डाई। ठीक है, अब सबसे पहला चीज जो मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा दैट विल बी आपका की कंसेप्ट हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शन और स्लैश देकर लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एजोबेंजीन। ये भी हम लिख सकते हैं क्योंकि ये आपका जो को पता है बेसिकली जो लास्ट जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो एजोबेंजीन बनता है, पैरा अमाइनो एजोबेंजीन। तो ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एजोबेंजीन बाय कपलिंग, ऐसे भी लिख देते बाय कपलिंग। नेक्स्ट पेज में पूरा रिएक्शन लिखते हैं। यहाँ पे पहले बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड होगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड सीएल माइनस, और यहाँ पे फिर एच, और हमें पता है कि येलो डाई फॉर्मेशन है तो ऑब्वियसली पैरा पोजिशन पे आपका बेंजीन डायजोनियम वाला सॉल्ट होगा, तो ये आपका एनिलीन, एनिलीन प्लस यहाँ पे फिर ये HCl, ये रब कर देते हैं का, ये यहाँ पे ज्यादा बड़ा हो गया, ये रब यहाँ पे एक सेल रिमूव होगा और ये आपका क्या था बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड सोनियम क्लोराइड। फिर जैसे ये एक सेल रिमूव होगा इसके साथ इसका बॉन्ड बन जाएगा तो ये क्या बनेगा इवेंचुअली जो रिएक्शन फॉर्म जो प्रोडक्ट होगा वो होगा ये पैरा वाला। अब देख लेते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन है बेसिकली, इसके लिए ऑप्शन सी है। इसका नेम भी लिख देते हैं जो प्रोडक्ट पैरा अमाइनो एजो एजो बेंजीन। ठीक है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।